हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक एट द असेंबलीज। और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है कमर्स शक्ति यूट्यूब चैनल में। यहाँ पे commerceshakti.com पे भी आप जाकर करके कमर्स से रिलेटेड नोट्स को आप देख सकते हैं। और इस वीडियो हम लोग देखेंगे BST यानी कि बिजनेस स्टडीज का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक को देखेंगे, जो कि 2017 के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है और उसका ऑब्जेक्टिव और प्लस सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव दोनों क्वेश्चंस का आंसर हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो आप वीडियो पे बने रहिए और देखिए कि आपका कितना सही होता है और आपका जो प्रिपरेशन है, तैयारी है, किस लेवल का है। यहाँ पे देखिएगा आज का फर्स्ट क्वेश्चन से, यानी कि क्वेश्चंस बैंक का 2017 के क्वेश्चंस बैंक का फर्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है। नियोजन भविष्य को पकड़ने के लिए बनाया गया पिंजरा है, यह कथन किसका है। तो नियोजन भविष्य को पकड़ने के लिए बनाया गया पिंजरा है, यह कथन किसका होता है, एलन का होता है। तो एक का जो राइट आंसर होगा वह क्या होगा, सी होगा, एलन। एक का राइट आंसर क्या होगा, सी होगा। यहाँ पे देखिए दूसरे नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। दो नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, चर्च आर टेरी के अनुसार नियोजन के प्रकार है। चर्च आर टेरी के अनुसार नियोजन के कितने प्रकार होते हैं, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, चार होते हैं। तो दो का राइट आंसर क्या होगा, सी होगा। दो का भी राइट आंसर क्या होगा, सी होगा। तीन नंबर क्वेश्चन देखिए, तीन नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, नियोजन होता है। नियोजन क्या होता है, नियोजन होता है, नियोजन क्या होता है, ऑप्शन है वर्तमान, भविष्य, भूत, भूत, सभी। ठीक है, नियोजन यानी कि प्लानिंग, हम कोई भी काम करने के लिए प्लानिंग बनाते हैं, यानी कि आने वाले समय के लिए हम प्लानिंग करते हैं। ठीक है, यानी कि जो बीत रहा है या फिर चल रहा है उसके लिए हम प्लानिंग नहीं करते हैं, जो आने वाला होता है उसके लिए हम लोग प्लानिंग करते हैं। यानी कि इसका राइट आंसर क्या होगा, बी यानी कि भविष्य। ठीक है, चार नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे भी वही क्वेश्चन है, नियोजन है, लेकिन आप देखिए ऑप्शन अलग अलग है, आवश्यक, अनावश्यक, समय की बराबरी, बर्बादी, धन की बर्बादी। देखिए नियोजन जो है वह क्या होता है, आवश्यक होता है। तो चार का जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ए, नियोजन आवश्यक होता है। पांच नंबर क्वेश्चन देखिए, पांच नंबर भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्या कर रहा है, नियोजन सभी प्रबंधकीय कार्यों का है। नियोजन सभी प्रबंधकीय कार्यों का क्या होता है, प्रारंभ होता है, क्या होता है, प्रारंभ होता है। तो पांच का राइट आंसर क्या होगा, ए होगा। छह नंबर क्वेश्चन देखिए, छह नंबर भी क्या कर रहा है, छह नंबर वैज्ञानिकी प्रबंध के जनक थे, वैज्ञानिकी प्रबंध के जनक कौन थे, टेलर थे, कौन, टेलर, यानी कि छह का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए होगा, टेलर। सात नंबर क्वेश्चन देखते, सात नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, सात नंबर भी काफी ऐसे क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिएगा, निम्न में से कौन सा कथन असंगत है, निम्न में से कौन सा कथन असंगत है। ऑप्शन से यहाँ पे प्रबंधकीय उद्देश्यपूर्ण, विशिष्ट प्रक्रिया, सार्वभौमिक, प्रबंध स्वामित्व से अलग नहीं, प्रबंध स्वामित्व से अलग नहीं। तो सात का जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा, बी, विशिष्ट प्रक्रिया, क्या होगा, विशिष्ट प्रक्रिया राइट आंसर इसका हो जाएगा। आठ नंबर क्वेश्चन से, आठ नंबर क्या करा है, हेनरी फ्योर के प्रबंध के सिद्धांत है, हेनरी फ्योर के प्रबंध के कितने सिद्धांत है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 14। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 14। तो इसका आठ का राइट आंसर हो जाएगा, सी। नौ नंबर क्वेश्चन देखिए, नौ नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, वैज्ञानिक प्रबंध कब प्रारंभ हुआ, वैज्ञानिक प्रबंध कब प्रारंभ हुआ। तो नौ का राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ए, क्योंकि वैज्ञानिक प्रबंध कब बना, 1913 ईस्वी में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए होगा। दस नंबर क्वेश्चन देखिए, दस नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है, वैज्ञानिक प्रबंध से श्रमिकों को होता है, वैज्ञानिक प्रबंध से श्रमिकों को क्या होता है, लाभ होता है। तो दस का जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ए, दस का राइट आंसर ये होगा। ग्यारह नंबर क्वेश्चन देखिए, ग्यारह नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, परंपरागत प्रबंध में श्रमिकों को मजदूरी दी जाती है, परंपरागत प्रबंधों में श्रमिकों को मजदूरी दी जाती है, कम, अधिक, अधिकतम, समान, कौन सा राइट आंसर है, फटाफट जवाब दीजिए। तो ग्यारह का राइट आंसर क्या होगा, ए होगा, कम, परंपरागत प्रबंध में श्रमिकों की मजदूरी कम दिया जाता है। ठीक है, तो बारह नंबर क्वेश्चन देखिए, बारह नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, बारह नंबर क्वेश्चन ऑनिस की सबको दिखाई दे रहा होगा, वैज्ञानिक प्रबंध में टेलर ने प्रयोग किया है, वैज्ञानिक प्रबंध में टेलर ने प्रयोग किया है, क्या किए है, गति अध्ययन, थकान अध्ययन, समय अध्ययन, डी, इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी होगा। बारह का राइट आंसर होगा डी, इसमें से सभी। तेरह नंबर देखिए, तेरह नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, मानसिक क्रांति मूलाधार है, मानसिक क्रांति मूलाधार है। इसका ऑप्शन है वैज्ञानिक प्रबंध, संयोजन,
विवेकीकरण पेशा, तो तेरा का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ए होगा, वैज्ञानिक प्रबंध। क्या होगा? वैज्ञानिक प्रबंध इसका राइट आंसर हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, 14 नंबर क्या कह रहा है? हेनरी फ्योर का जन्म हुआ था। हेनरी फ्योर का जन्म कहाँ हुआ था? जापान में, फ्रांस में, जर्मनी में, अमेरिका में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा बी, यानी कि फ्रांस। हेनरी फ्योर का जन्म कहाँ हुआ था? फ्रांस में हुआ था। 15 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, तो 15 नंबर में क्या कह रहा है? प्रबंध, प्रबंध के सिद्धांत है। प्रबंध के सिद्धांत क्या है? सार्वभौमिक है, लोचशील है, गतिशील है, उपयुक्त सभी है। तो 15 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? डी। 15 का राइट आंसर हो जाएगा वो डी, उपयुक्त सभी। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे क्या कह रहा है? कर्मचारी के विकास में सम्मिलित है। कर्मचारी के विकास में क्या सम्मिलित है? यहाँ पे देखिएगा, हस्तांतरण, पदोन्नति, प्रशिक्षण इनमें से सभी। इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी होगा। क्या होगा? डी। 16 का राइट आंसर डी होगा, इनमें से सभी, यानी कि सभी। 17 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? प्रशिक्षण की विधियां है, प्रशिक्षण की विधियां है, प्रशिक्षण की क्या विधियां होती है? सम्मेलन, व्याख्यापन, प्रशिक्षणार्थी, उपयुक्त सभी। तो 17 का जो राइट आंसर होगा, इसका भी राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी, इनमें से सभी, उपयुक्त सभी, तीनों इसका आंसर होगा, राइट। तो 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, 18 नंबर क्या कर रहा है? कर्मचारी का प्रशिक्षण से है। कर्मचारी का प्रशिक्षण से क्या होता है? अनावश्यक होता है, आवश्यक होता है, अनिवार्य होता है, विलासित होता है। तो 18 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा? अनिवार्य। इसका राइट आंसर क्या होगा? अनिवार्य होता है। 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे 19 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? ऑन स्क्रीन से दिखे रहा है, नियुक्तिकरण पर व्यय किया गया धन, नियुक्तिकरण पे व्यय किया गया धन क्या होता है? आवश्यक होता है, बर्बादी होता है, विनियोग होता है, इनमें से कोई नहीं। तो नियुक्तिकरण पे व्यय किया गया धन जो होता है वो क्या होता है? इन्वेस्टमेंट होता है, विनियोग होता है। तो 19 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो होगा सी, 19 का राइट आंसर सी होगा। 20 नंबर क्वेश्चन देखिए, 20 नंबर क्या कर रहा है? मानव संसाधन प्रबंध के में सम्मिलित है। मानव संसाधन प्रबंध में सम्मिलित है वो क्या है? भर्ती है, चयन है, प्रशिक्षण है, इनमें से सभी। तो 20 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा? डी। 20 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी, इनमें से सभी। 21 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे क्या कर रहा है? निर्देशन के प्रमुख तत्व है। निर्देशन के प्रमुख तत्व क्या होता है? तो इसमें से देखिए, 02, 03, 04, 06 निर्देशन के प्रमुख तत्व जो होते हैं वो 04 होते हैं। तो इसका 21 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? वह सी होगा। 21 का राइट आंसर सी होगा। 22 का देखिए, 22 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? 22 का जो क्वेश्चन कर रहा है, निर्देशन कर्मचारियों से संबंधित होते हैं। निर्देशन कर्मचारियों से संबंधित होता है, उच्च स्तर, मध्य स्तर, निम्न स्तर, सभी स्तर। तो 22 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा? डी, सभी स्तर। क्या होगा? सभी स्तर इसका राइट आंसर हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन देखिए, 23 नंबर क्या कर रहा है? निर्देशन है। निर्देशन क्या होता है? अनिवार्य होता है, आवश्यक होता है, अनावश्यक होता है, समय की बर्बादी होता है। तो 23 का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? ए, अनिवार्य होता है। निर्देशन क्या होता है? अनिवार्य होता है। पर्यवेक्षण क्या है? 24 नंबर देखिए, 24 नंबर क्वेश्चन क्या है? पर्यवेक्षण है, पर्यवेक्षण क्या है? आवश्यक है, अनावश्यक है, समय की बर्बादी है, इनमें से सभी। तो 24 का जो राइट आंसर होगा वह क्या होगा? ये आवश्यक है। पर्यवेक्षण क्या होता है? आवश्यक से आवश्यक होता है। 25 नंबर क्वेश्चन देखिए, 25 नंबर में क्या करा? स्कंद विपणियों के लिए सेवा की सेवाएं है, सेवी की सेवाएं है। सेवी एक वर्ड होता है, सेवी की सेवाएं है। ऐच्छिक, आवश्यक, अनावश्यक, अनिवार्य, इसमें से क्या है? तो 25 का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? अनिवार्य होगा, यानी कि डी। 25 का राइट आंसर क्या होगा? डी होगा, अनिवार्य। 26 का क्वेश्चन देखिए, 26 नंबर क्या कह रहा है? विपणन में सम्मिलित होता है, विपणन में सम्मिलित होता है। क्या क्या होता है? क्रय होता है, विक्रय होता है, भंडारण होता है, उपरोक्त सभी होता है। तो 26 का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? डी। इसका भी राइट आंसर क्या होगा? डी होगा, यानी कि इनमें से सभी। देखिए 27 नंबर यहाँ पर, नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर यहाँ पे क्या कर रहा है? निम्न में से कौन सा उत्पाद नहीं है? निम्न में से कौन सा उत्पाद नहीं है? कच्चा माल, रेफ्रिजरेटर्स,
पुरानी मूर्ति है एंड जूते, तो 27 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा, पुरानी मूर्ति है, यानी कि 27 का राइट आंसर हो जाएगा वो होगा सी पुरानी मूर्ति है। 28 नंबर क्वेश्चन देखिए, 28 नंबर क्या कर रहा है, अच्छे ब्रांड के लिए आवश्यक है, अच्छे ब्रांड के लिए आवश्यक है छोटा नाम, स्मरणीय, आकर्षित डिजाइन, उपरोक्त सभी। 28 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा, डी उपरोक्त सभी, क्या होगा उपरोक्त सभी 28 का राइट आंसर हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन देखिए, 29 नंबर क्या कर रहा है, पैकेज वाली उपभोग उत्पादों पर लेबलिंग अनिवार्य है, पैकेज वाली उपभोग उत्पादों पर लेबलिंग अनिवार्य है, किस पे, सभी पे, कुछ एक पे, किसी पे नहीं, उपरोक्त में से कोई भी नहीं। 29 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, ए, यानी कि सभी पे। पैकेज हो रहा है तो उस पैकेजिंग पर जो लेबलिंग है वो बहुत ही जरूरी है, जिससे कि पता चलता है कि किस कंपनी के प्रोडक्ट है। अब तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिएगा, तो यहाँ पे क्या कह रहा है, समन्वय है, समन्वय क्या है, इच्छुक है, आवश्यक है, अनावश्यक है, समय की बर्बादी है। तो 30 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा, यहाँ पे देखिएगा 30 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा, आवश्यक है, यानी कि बी। 30 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, वह होगा बी। 31 नंबर क्वेश्चन देखिए, 31 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, समन्वय स्थापित किया जाता है, समन्वय स्थापित किया जाता है, कहाँ पे किया जाता है, निम्न निम्न स्तर ले प्रबंध द्वारा, ठीक है, निम्न स्तर ले प्रबंध द्वारा इसको स्थापित किया जाता है। 32 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, तो यहाँ पे क्या करा है, जॉर्ज आर्डेरी के अनुसार प्रबंध के कार्य है, जॉर्ज आर्डेरी के अनुसार प्रबंध के कितने कार्य होते हैं, तो उसके हिसाब से प्रबंध के कितने कार्य होते हैं, 4 रहते हैं, तो इसका राइट आंसर जो होगा वो क्या होगा, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 33 का क्वेश्चन देखिएगा, 33 नंबर क्या कर रहा है, प्रबंध का सार है, प्रबंध का क्या सार है, इसमें समन्वय, प्रबंध का सार जो होता है वो क्या होता है, समन्वय होता है, तो 33 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ए। 34 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, तो 34 नंबर क्या कर रहा है, प्रबंध की प्रकृति है, प्रबंध की प्रकृति क्या है, जन्म जात प्रतिभा के रूप में, अर्जित प्रतिभा के रूप में, जन्मजात प्रतिभा एवं अर्जित प्रतिभा दोनों के रूप में इनमें से कोई नहीं, तो 34 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा, ये जन्मजात प्रतिभा के रूप में 34 का राइट आंसर ये होगा। अगला क्वेश्चन से आप देखिएगा, 35 नंबर, 35 नंबर क्या कर रहा है, प्रबंध है, प्रबंध क्या है, कला है, विज्ञान है, कला एवं विज्ञान दोनों है एवं पेशा है, 35 का जो राइट आंसर होगा वह सी होगा, कोई भी जानता होगा कला एवं विज्ञान दोनों है। 36 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, निम्न में कौन सा दृष्टिकोण समान तथा सफल उद्यम वृद्धि से संबंध नहीं रखता है, प्रतिस्पर्धा एवं सहयोग, दूसरों को प्रतिभावित करने की इच्छा, नवाचार एवं उत्पाद सुधार, व्यवसाय में स्थिरता, तो 36 का जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, बी दूसरों को प्रभावित करने की इच्छा, 36 का राइट आंसर होगा। 37 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, तो यहाँ पे क्या कर रहा है, भौतिक वातावरण में समावेशित नहीं होता है, भौतिक वातावरण में समावेशित नहीं होता है, तो 37 कौन सा समावेशित नहीं होता है, वित्त व्यवस्था, कौन सा वित्त व्यवस्था समावेशित नहीं होता है, तो 37 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो होगा बी। 38 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, 38 नंबर क्या कर रहा है, निम्न में से कौन संवर्धन सम्मिश्रण का तत्व नहीं है, संवर्धन सम्मिश्रण का तत्व नहीं है, विज्ञापन, व्यक्तिकरण, विक्रय वर्धन, उत्पादन, 38 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा, ए होगा, यानी कि विज्ञापन, और जिसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए होगा विज्ञापन। अब देखिए 39 नंबर क्वेश्चन, 39 नंबर क्या कर रहा है, विज्ञापन माना जाता है, विज्ञापन क्या माना जाता है, अपव्यय, विनियोग, विलासित, इनमें से कोई नहीं, 39 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, बी यानी कि विनियोग, 39 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, विनियोग। 40 नंबर देखिएगा, 40 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, विक्रय संवर्धन के उद्देश्य है, विक्रय संवर्धन के क्या उद्देश्य होता है, नई वस्तुओं से अवगत कराना मात्र, नए ग्राहकों आकर्षित करने हेतु मात्र, प्रतिस्पर्धियों को समान करने हेतु मात्र, डी इनमें से उपरोक्त सभी, तो 40 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, डी इनमें से सभी, ठीक है, 40 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी होगा। तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव खत्म, क्योंकि आप देखिएगा जो भी कुछ 2017 के बोर्ड एग्जामिनेशन में 40 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव पूछे जाते थे, उसके बाद यहाँ पे सब्जेक्टिव क्वेश्चन
पूछे जाते थे। अब देखिएगा अब यहाँ पे किस तरह का पैटर्न दिया हुआ है। यहाँ पे सब्जेक्टिव में जो क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पे सब्जेक्टिव में पहले लघु उत्तरी प्रश्न दिया हुआ है, प्रबंध की परिभाषा दीजिए, दूसरे समय अध्ययन एवं गति अध्ययन में अंतर स्पष्ट कीजिए, क्रियात्मक संगठन क्या है, इसकी विशेषताएं क्या है, भर्ती से क्या आशा है, यह चयन से किस प्रकार भिन्न है, नियंत्रण के उद्देश्य बताइए, जटिल एवं संकट बिंदु नियंत्रण क्या है, जटिल संकट बिंदु नियंत्रण क्या है। इसके अलावा यहाँ देखिएगा क्या कर रहा है कि सेवी के उद्देश्य क्या है, नियोजन किस प्रकार नियंत्रण को संभव बनाता है, विज्ञान को अधिक प्रभावशील बनाने के लिए सुझाव दीजिए, उपरोक्त के हितों की रक्षा सहायता के लिए भारत सरकार के नए कानून बनाए गए हैं, विवेचना कीजिए। यह देखिए लघु उत्तरीय प्रश्न हो गया। इसके अलावा आप देखिएगा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न भी दिया हुआ है, या दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। लेकिन ये सारे क्वेश्चंस का आपको जो आंसर मिलेगा कैसे मिलेगा, आपको क्या करना है, ऑनलाइन ओपन करना है गूगल पे, वहां पे सर्च करना है commerceshakti.com, ठीक है। यहाँ पे वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक दे दूंगा, वहां पे आते हैं और जैसे इस पर क्लिक करते हैं, प्रबंध की परिभाषा दीजिए और इस पर क्लिक करते हैं तो प्रबंध की परिभाषा का एक आर्टिकल आपके बस आ जाएगा और वहां से आप ये सब्जेक्टिव का आंसर आप देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं, जो कि काफी इजी एंड सिंपल होगा, तो वहां से जाकर के आप आसानी से पढ़ सकते हैं और जान सकते हैं। तो आई होप सो गाइस कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो, और इसी तक वीडियो चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके फॉलो कर लेंगे, और बाकी बात हम आपसे कल मिलेंगे इसी टाइम में, चैनल पे आप बने रहिए।